स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की समन्वयक मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, महिला कल्याण अधिकारी सुमन शुक्ला, डॉक्टर मुमताज खान सहित सभी थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी, जेजेपी, सीडब्ल्यूसी, विभिन्न समाजसेवी शरणार्थियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बच्चों के पंजीकृत समस्याओं, यौन शोषण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया। बच्चों के डिस्कशन में बहुत ढेर सारी संस्थियाँ ये दी गई हैं, लेकिन यह थोड़ा पढ़ने नहीं है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा, खासतौर से अपॉइंटमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पुलिस पर्सनल, इस तरह से बहुत ढेर सारी मेरे ख्याल से बातें बार बार कुछ ना कुछ वही रहती हैं, थोड़ा नए तरीके से उसका प्रेजेंट किया जाता है। बच्चों के साथ जो लैंगिक शोषण हो रहे हैं, खासतौर से निर्भया कांड के बाद, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पॉक्सो समझिए बस। सर, एक हमारे सेंटर में बच्चे के पाखाने से संबंधित है, उसके भाई द्वारा ही उसका यौन शोषण किया जाता था, तो माँ काफी परेशान होकर लड़की को बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ, गई फिर वापस यहाँ पे आई, लेकिन डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ वहाँ पे तैयार या कुछ जो हुआ था वो, तो फिर अब उसको दहली से यहाँ आ रही है, क्या वहाँ से यहाँ कैसे ट्रांसफर या उसकी क्या काम है, मतलब ट्रांसफर के लिए जो भी होगा तो वो तो सुन एफ आई आर जहाँ भी हुआ होगा क्या ऐसी चीजें हैं उसमें दो तीन हमने नोट किया था, जो पढ़ने में आया प्रत्येक एक स्टेक होल्डर को विधि का पालन कराने वाली संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मीडिया, अभिभावकों को वैज्ञानिक तरीके से यौन हिंसा के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाए, संबंध में व्यवस्थित मूल्यांकन और निरीक्षण होना चाहिए। 70% केसेज में सही आरोपी पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि आरोपियों में पीड़िता के मित्र संबंधी आदि होते हैं। देखिए, इसका पूरा विस्तार से समाचार पत्र में आ चुका था, और ये वही सारी चीजें हैं जो पॉक्सो में है। पुलिस का व्यवहार क्या होगा, वो कैसे उसको इंट्रोगेट करेगी, कैसे बातचीत करेगी, यही नहीं कि वो थाने में बैठ जाएगी बात करने लगेगी, या कोई सुरक्षित स्थान जो उसके माता पिता बताए वहाँ जाके करेगी, भाषा कैसी होगी उनकी, ये सारा कुछ है, ये पैरामीटर्स और ये सारा कुछ दिया हुआ था। कैसे कंट्रोल हो सकता है ये नहीं कोई बताएगा, तभी सब हमारे पास बन जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से और उन बच्चों का जब रिश्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि जो बड़ी बहन उसकी थी, लगभग 11 साल 12 साल की रही होगी, उसका पिता है उसका शोषण करता है। ये मीटिंग एसटीओ और ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के संबंध में की जा रही है, जे एक्ट में धारा 107 के तहत में। और ये बताना चाहूँगा कि गोरखपुर पूरे प्रदेश में कुछ एक जनपदों में से एक है कि जहाँ प्रत्येक माह ये मीटिंग आयोजित हम लोग करते हैं लगातार, किसी महीने इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है, पिछले सितंबर से और ये सितंबर चल रहा है, ये 13वीं मीटिंग चल रही है। और ये खास तौर से, जैसे मैंने बताया कि एसटीओ और ये एसटीओ मतलब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और ये एसजेपीयू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट से संबंधित है, ये जे एक्ट में धारा 107 है, उसी के तहत ये बराबर मीटिंग करते हैं। और आज इस मीटिंग में खास तौर से सबको बताया गया, अभी पिछले वर्ष तीन पार्टियां एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने हस्ताक्षर किया है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम है और ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, और ये स्किल और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हैं। खास तौर से जो शिशु गृह वगैरह हैं वहाँ पर बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, इसके बारे में आज विस्तार पर वो सबको बताया गया, सभी जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं। और ये खास तौर से जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके भली भांति क्रियान्वयन के संबंध में भी ऊपर से निर्देश आए हुए हैं, जिसका भली भांति क्रियान्वयन हो, जिस स्प्रिट में है, जिस तरह से अपेक्षाएँ की गई हैं उसी तरह से हो, उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात किया गया। और खास तौर से शिशु गृह में जहाँ बच्चों
का असामयिक मृत्यु हो जा रही है, उसके बारे में ये मृत्यु क्यों हो रही है, उसमें जांच हुई कि नहीं हुई है, और ये कहीं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बारे में बातचीत करके मतलब ये सब घटनाएं कम से कम हो। ये जो मृत्यु हो रहे हैं मतलब ये स्वाभाविक मृत्यु हैं या इसमें कहीं कुछ खामियां कमियां रही हैं, इसके बारे में भी बातचीत की गई। और अभी ख़ास तौर से पिछले वर्ष 15 मई 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वहाँ पर एक ओपन हाउस डिस्कशन किया गया था कि बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध हो रहे हैं वो काफ़ी संख्या में हो रहे हैं, उसके संबंध में जो संस्तुतियाँ आई थी 16 संस्तुतियाँ थी, उसी के संबंध हम लोग अब आज सभी स्टेक होल्डर्स के मध्य से बातें आई हैं और यही सब बातें हैं खास तौर से।